पूरे उत्तर भारत में स्मॉग व घने कोहरे के कारण आए दिन सड़क हादसों में निरंतर बढ़ोतरी होने के समाचार आम होते जा रहे हैं। वहीं कुछ भारी व ओवरलोड वाहन शहर के नो एंट्री पॉइंटों में गुजरकर कई हादसों व ट्रैफिक जाम के कारण बनते हैं। बात ये नहीं कि ट्रैफिक पुलिस व प्रशासन ने इसके लिए बकायदा दिशा सूचक बोर्ड भी लगा रखे हैं, परंतु कुछ बसें व भारी वाहन इन हादसों को ठेंगा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो चलिए हम आपको पंजाब के लुधियाना के जलंधर बाईपास से शिवपुरी चौक का हाल बयान करते हैं। लुधियाना पुलिस कमिश्नर व ट्रैफिक पुलिस विभाग के द्वारा जलंधर बाईपास व शिवपुरी चौक से पहले ही भारी वाहनों बसों व ऑटो वालों को सख्त आदेश देकर दिशा सूचक बोर्ड लगाए गए कि भारी वाहनों का इस ओर जाना सख्त मना है, परंतु निजी बसें व भारी वाहन व ऑटो चालक फिर भी इस शिवपुरी चौक से होकर गुजरते हैं, जबकि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर इन वाहनों के लिए फ्लाई ओवरों का निर्माण किया गया है, जिससे शहर के भीतरी क्षेत्रों में भारी जाम व दुर्घटनाओं से बचा जा सके। शिवपुरी चौक का हाल ये है कि इस चौक में कोई भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं होता। नो एंट्री के समय पर भी भारी वाहन यहाँ से प्रतिदिन गुजरते हैं, जो कि जाम व दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं, परंतु पुलिस व ट्रैफिक प्रशासन इस ओर गंभीर नहीं है। जी ट्रैफिक शिवपुरी चौक जड़ा है इनू लैके थोड़ी की राय है? साड़ी राय है जी, सवेर तो शाम इतने बहुत ही ज़्यादा जाम होंगे, क्योंकि सवेरे स्कूल बच्चे का टाइम होंगे तो शाम मिडिल क्लास कलोनियाँ इतना ज़्यादा है। मिडिल क्लास कलोनियाँ होने करके इतने रश तकरीबन रोज़ शाम रश जाम लगता रहता, तो साड़ी मंग आ प्रशासन तो भी इतने पक्का नाका ज ट्रैफिक इंचार्ज दो मुलाजम लाने चाहिए है। दूजा ये पुल के उत्ते ना जी मेन वीडी वहीकल हैगे है, जिम्मे ट्रैक बस हैगी है, इन वास्ते पुल के उत्तों की हैगी है रूल, मगर कोई लालची बसा वाले प्राइवेट सवारियों वास्ते थले भी बस लैके आते हैं, तो वो चौंक के खड़ा करके बस में सवारियों का वेट करते जाम लग जाता। तकरीबन मैं यही समझता कि उन्होंने ही कारण है जाम लगन का। तो दूजा साढ़े जोड़े चौंक के कैमरे लाए गए है बंद पे है कैमरे, तो जिस हिसाब ने अजक शहर के घटनावान हो रही हैं वो कैमर का अहम रोल हों, मगर ये साढ़े कैमरे ना चलन के प्रशासन की इतने ये मंग करते हैं कि कैमरे में चलाया जाए। हो सकता है कि प्रशासन इस चौक पर किसी बड़ी दुर्घटनाओं के होने के इंतजार में बैठा हो। देखना अब ये होगा कि लुधियाना पुलिस कमिश्नर के आदेशों को किस तरह निभाते हैं ये पुलिसकर्मी, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। यूजे न्यूज के लिए लुधियाना से मुनीश कुमार की विशेष रिपोर्ट।